जी हम लोग ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.4 का 5th का 7th क्वेश्चन करना है, ठीक है। इसमें लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड मूव करना है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड में क्या देख रहा हूँ कि साइन थीटा और यहाँ पे साइन 2 थीटा है, कोस 2 थीटा और कोस थीटा है। कहीं ना कहीं कॉमन ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग कॉमन लेंगे पहले, तो साइन ऊपर में साइन कॉमन आ रहा है तो साइन थीटा को मान लिए, बचा क्या 1 - 2 sin² थीटा। नीचे कोस को मान लेंगे तो कोस थीटा ये क्या बच जाएगा 2 cos² थीटा - 1, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे साइन थीटा, हम मुझे एक फॉर्मूला क्या पता है sin² थीटा + cos² थीटा = 1। तो 1 के पोजीशन पे हम लोग ये चीज पुट कर सकते हैं, 1 के पोजीशन पे sin² थीटा + cos² थीटा - 2 sin² थीटा पुट कर दिए 1 के जगह पे sin² थीटा + cos² थीटा। नीचे अब फिर से क्या है cos θ (2 cos²θ - 1, 1 के जगह पे फिर से ये पुट कर देंगे, ठीक है। तो फिर से 1 के जगह ये तो माइनस से मल्टीप्लाई ये होगा तो क्या बन जाएगा -sin² θ और -cos² θ। मतलब देख रहे हैं क्या sin² θ - 2 sin² θ, तो प्लस माइनस माइनस, तो इसे पहले लिख देते हैं cos² θ और ये प्लस माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा -sin² θ। नीचे क्या है cos θ (2 cos²θ - cos²θ), प्लस माइनस माइनस, तो 2 cos²θ - cos²θ क्या हो जाएगा cos²θ - sin²θ - sin²θ। अब ऊपर भी देख रहे हैं cos²θ - sin²θ, नीचे भी cos²θ - sin²θ, ये सेम कट हो गया। क्या रेस्ट बच गया sin θ / cos θ = 10θ। और सिंपल था, ठीक है।